भले ही प्रदेश सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अभी भी विकास से कोसों दूर है। मामला रीवा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जड़कुड़ पिपराही का है, जहां पिपराही से जड़कुड़ तक लगभग 25 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है और सड़क का यहां नामो निशान मिटता जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष के विधायक और जिला प्रशासन को भी ग्रामीणों ने कई बार सड़क की हालत से अवगत कराया है, लेकिन साल भर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन सालों बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। अब देखना यह है कि विधायक का ध्यान कब इस ओर जाता है। घर है जहां पर लगातार इनको सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है, जबकि MKN न्यूज चैनल कई बार खबर का प्रकाशन पूरे प्रमुखता के साथ दिखाया है। इसके साथ में जो सत्ता पक्ष के वर्तमान विधायक हैं, इनके सामने भी बात रखी गई थी, तो इनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। कलेक्टर रीवा के सामने भी MKN न्यूज ने पूरी प्रमुखता के साथ प्रश्न किया था 25 किलोमीटर सड़क बनवाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा यह बताया गया था कि सड़क का टेंडर हो रहा है, सड़क बहुत जल्द निर्माण कार्य करवाया जाएगा, लेकिन आज लगभग एक साल बीत गए और अभी तक सड़क में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ से दवाई लेने वाला जाएगा तो बहुत देर से वापस आएगा। MKN न्यूज के साथ मैं संवाददाता प्रद्युम्न कुमार शुक्ला, रीवा।